प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो बिना मतलब की टिप्पणी मालदीव्स के मंत्रियों ने की, उनका आखिर क्या हुआ ये इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही पूरा वाक्य समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको ऐसे टिप्पणी करनी पड़ गई। वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं ना कि दूसरे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ किया ही नहीं लेकिन कोई और उस पर आकर टिप्पणी कर रहा है। तो यही चीज हुई है यहाँ पर। मोदी जी मालदीव्स घूमने गए थे, बड़े शौक से वो घूमे, वहां पर उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज हमारे सामने आई। लेकिन अचानक से मालदीव्स की एक मंत्री जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया, मोदी जी के ट्वीट पर उन्होंने ट्वीट कर दिया, और तब से ये जो बवाल है ये क्रिएट हो गया, जिसके बाद भारत के सेलिब्रिटीज समेत बड़े बड़े नेता समेत आम जनता मालदीव्स पर बरस पड़ी और मालदीव्स की सरकार को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर कुछ फोटोज पहले ही देख लीजिए। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट की फोटो है जो कि पूरी तरीके से प्रो चाइना है। प्रो चाइना यानी कि चाइना को ज्यादा पसंद करते हैं। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से इन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जो भारत विरोधी बयान है। साथ ही ये जो महिला की फोटो आपको दिख रही है, इन्हीं के ट्वीट के वजह से सारा बवाल खड़ा हुआ है। साथ ही और दो मंत्री भी हैं जिन्होंने ट्वीट किए थे, उनकी वजह से, यानी तीन लोग हैं टोटल जिनकी वजह से ये सारा बवाल क्रिएट हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखें, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव्स ने सस्पेंड कर दिया है। क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, यहां पर तीनों के नाम देख लेते हैं। एक का नाम है मरियम, जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई, दूसरी का नाम है मालशिया शरीफ, तीसरे का नाम है अब्दुल्ला मजहूम। ठीक है, यहां पर इन तीनों ने अजीब सी टिप्पणी की थी जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। अगर इनकी टिप्पणी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जाहिद रमीज ने ट्वीट किया था। वैसे तो जो मंत्रियों ने ट्वीट किया था उनको तो उन्होंने डिलीट कर दिया। यहां पर जाहिद रमीज नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने बोला था कि भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता, मालदीव्स पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा। यानी कि मालदीव्स जो पर्यटकों को सर्विस दे रहा है, मालदीव्स में जो लोग घूमने जा रहे हैं, वैसी सर्विस भारत नहीं दे सकता, ऐसा इनका कहना है। और कह रहे हैं कि भारत इतनी साफ सफाई कैसे रख पाएगा जितनी हम रखते हैं। यानी कि कैसा मजाक है, आप खुद देखिए कि भारत साफ सफाई नहीं रख सकता, स्वच्छता अभियान भारत में चल रहा है, ये शायद भूल गए हैं। उनके कमरों में आने वाली बदबू टूरिस्टों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे अपमानजनक बात जो इन्होंने की है, जिनका नाम है जाहिद रमीज, जिसकी वजह से सभी सेलिब्रिटीज इन पर टूट पड़े हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, सभी लोग। तो यहां पर उनका ये जो लाइन है कि हमारे कमरे से आने वाली बदबू टूरिस्टों के लिए बहुत दिक्कत पैदा करती है, ये इनकी सबसे खराब टिप्पणी थी जो कि इन्होंने भारत के लिए की है। यहां पर खुद को घिरता देखकर शिवना ने अपना पोस्ट डिलीट कर लिया। शिवना कौन है? मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में आपको तीन मंत्रियों के नाम बताए थे जिन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, उनमें से एक मंत्री है शिवना, जिन्होंने जब देखा कि मालदीव्स के खुद के विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता जो है वो वहां के राष्ट्रपति, जो अभी राष्ट्रपति है मुइजू, उनकी सरकार को घेर रहे हैं, सभी मंत्रियों को घेर रहे हैं, तो इन्होंने तुरंत अपना बोला हुआ जो पोस्ट था, जो लिखा हुआ ट्वीट था, उसको डिलीट कर दिया डर के मारे। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ट्वीट तो सब लोगों ने देख ही लिया था, भारत ने भी देख लिया था। यहां पर वहां की सरकार ने तुरंत फिर इसका जवाब दिया, जब देखा कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मालदीव्स के खुद के विपक्षी नेता भी उन पर चढ़ बैठे हैं, दूसरी तरफ भारत से भी तरह तरह की प्रतिक्रिया जा रही थी। आपको अच्छे से पता होगा कि मालदीव्स पूरी तरीके से टूरिज्म पर निर्भर है, यानी कि दूसरे देश के पर्यटक वहां घूमने जाते हैं तब जाके उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उसमें भी सबसे ज्यादा भारतीय वहां पर घूमने जाते हैं। तो यहां पर जब मालदीव्स ने देखा कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो वहां की सरकार द्वारा एक बयान आया। सरकार ने बोला कि सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों से किया जाना चाहिए जो नफरत नकारात्मकता न फैलाए और मालदीव और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न डाले, ऐसा वहां की सरकार की तरफ से बयान आया। और क्या बोला, मालदीव सरकार ने अपनी मंत्री मरियम शिवना द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। एक बयान में सरकार ने कहा कि राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार इन विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये मालदीव सरकार के द्वारा बयान है, मतलब मालदीव सरकार ने पूरी तरीके से पलड़ा झाड़ लिया और बोल दिया कि भाई इन्होंने जो बोला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें, हुआ कुछ भी नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे लक्षद्वीप में घूमने और उन्होंने बोला कि भाई अगर आप चाहें तो आप लक्षद्वीप की ब्यूटी को देखने के लिए आइए, यहाँ के तटों को देखने के लिए, ये बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए यहाँ पर जो है, फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर इन देम, लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट, आपकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए अगर आप घूमना चाहते हैं। मोदी जी ने सिर्फ यही बोला था, इन्होंने कहीं पर भी मालदीव्स का कोई नाम ही नहीं लिया था, ये जबरदस्ती किया हुआ
अपमान है जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ही ये पूरा वाक्य हुआ, बात तो पूरी तरह फैल गई थी। तुरंत हमारे भारत के लोगों ने अपमान का बदला लेते हुए हजारों टिकट बुकिंग्स और 4000 होटल बुकिंग्स रद्द करवा दी। भारत की तरफ से मालदीव्स में बहुत पर्यटक घूमने जाते हैं, और जैसे ही ये वाक्य पता चला कि भारत का अपमान हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, उन्होंने तुरंत अपनी होटल बुकिंग्स कैंसिल करवा दी। जितने भी टिकट बुकिंग्स थी वो भी कैंसिल, यानी कि करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा मालदीव्स को तुरंत। और क्योंकि वो टूरिज्म पे डिपेंड है मालदीव्स, तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया। तो अब कहा जा रहा है कि मालदीव्स ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। दुनिया का ये पहला मामला ऐसा है जब किसी एक देश के मंत्रियों को दूसरे देश के नेता के खिलाफ टिप्पणी करने पर सस्पेंड किया गया है। ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि किसी दूसरे देश ने किसी दूसरे देश के मंत्री पर टिप्पणी की और वहां पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाया गया, और ये कदम भी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है या वहां की जो सरकार है वो इसीलिए उन्होंने उठाया क्योंकि वो टूरिज्म पे डिपेंड है। अगर आपको मैं यहाँ पर आंकड़ा दिखा दूं टूरिज्म का, तो आप खुद चौंक जाएंगे और ये सोचेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ने ऐसा किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे पीछे आप कुछ ट्वीट्स देख रहे होंगे, नाम देखिए, जॉन अब्राहम, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सलमान खान, है ना, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, जॉन अब्राहम जैसी बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके लोगों से भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहा है। यानी कि इन लोगों ने जैसे ही देखा ट्विटर पर, सब लोग यानी एक्स पर, जो अब एक्स हो चुका है, वहां पर सब एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जैसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने देखा कि हमारे भारत की इस तरीके से निंदा की जा रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है, यहाँ पर तुरंत उन लोगों ने ट्वीट किया और बोला कि भारत के टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, और अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी ने लिखी और सभी बाहर, मतलब सभी आगे आए। और अब आप देख रहे होंगे एक्स यानी कि ट्विटर में, जो पहले ट्विटर एक्स हो गया, वहां पर अब बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आपको कुछ डेटा दिखाऊं, यहां पर आप मैप देख रहे होंगे, छोटा सा मैप है ये भारत है, ये मालदीव्स है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। यहां पर अगर आप देखें, आंकड़ा ध्यान से देखिएगा, इस देश की आबादी यानी मालदीव्स की आबादी करीब 4.5 लाख है, और इसमें से 98% से अधिक आबादी मुस्लिम है। 98% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वहां की वो मुस्लिम है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर आश्रित है, यानी पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है। लोग वहां घूमने जाएंगे तब जाके उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार बीते दिसंबर तक 18 लाख पर्यटक यानी कि टूरिस्ट वहां घूमने पहुंचे थे, जो कि 2022 के 15 लाख पर्यटकों की संख्या से करीब 13% अधिक है। विगत साल कुल पर्यटकों में 2.9 लाख के साथ भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, घुटने क्यों टेके मालदीव्स ने, उसका सबसे बड़ा कारण यही लाइन है कि सबसे ज्यादा पर्यटक भारत के गए हैं वहां पर, ठीक है। रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, यानी कि भारत के बाद रशिया और चाइना के पर्यटक वहां घूमने जाते हैं सबसे ज्यादा। तो इस पूरे सिनेरियो से हमें ये बात समझ में आई कि हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने मालदीव्स की बात भी नहीं की, हमने खुद के एक यूनियन टेरिटरी की तारीफ कर दी। हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की तारीफ कर दी, बस इतना बोल दिया कि आप अगर चाहते हैं, भारतीय अगर चाहते हैं घूमने आना, तो उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम भी होना चाहिए, और अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट की। तो उसमें मालदीव्स को प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद मंत्रियों ने उल्टे सीधे बयान दिए। कुछ ट्वीट्स तो डिलीट हो चुके हैं, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाती, जिसमें अपमानजनक टिप्पणियां की गई है, जो आप सुनते तो आपका खून खौल जाता। बाकी जो भी था यहां तक था, आगे देखते हैं, जो भी होगा अपडेट तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू so much।